वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लों, सीआरएसई यूनिवर्सिटी, बीएड सेकंड सेम स्पेशल का ये पेडागॉजी ऑफ टीचिंग हिंदी के बारे में, यानी हिंदी शिक्षण के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ रहने वाले हैं, टॉपिक्स रहने वाले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। काफ़ी लेंथी ये पूरा सिलेबस आपका रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ये आपका रहने वाला है। बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं जो आपके पेपर में आपको देखने को 1000% मिलने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो आपका यहाँ पर जो रहने वाला है वो रहेगा आपका हिंदी भाषा का आपका नामकरण। ठीक है, हिंदी भाषा का नामकरण यहाँ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, जिसके अंदर हिंदी भाषा का उद्भव प्रक्रिया भी आपकी रहेगी। मीन्स कि आपको जो ये फोर्थ टॉपिक है ये करना है बहुत अच्छे से। शिक्षा, समाज, व्यापार, राजनीति, शोध, ये वाला टॉपिक आपको पूरा करना है। आपको मूलभूत भाषा कौशल, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, परिचय, ये आपको करना है। इतना आप कर लीजिए, इससे बाहर आपका पेपर नहीं होगा। सेकेंड यूनिट की बात कर रही हूँ, और प्लीज नीचे ग्रुप में, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपका ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि चारों सेमेस्टर का यहाँ निचोड़ आपको मिलेगा आपका। और दूसरी चीज़, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि आपके दोस्त जो भी परेशान हो रहे हैं आपके स्पेशल एग्ज़ाम के लिए, उन तक ये वीडियो पहुँच पाए। चलिए सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है आपको और क्या छोड़ना है, तो सेकेंड यूनिट में आपको माध्यमिक जो स्तर है हिंदी भाषा का, उसके लक्ष्य और उद्देश्य करने हैं। क्या करने हैं आपको, आपको माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा के लक्ष्य और उद्देश्य करने हैं, और इसके साथ साथ आपको माध्यमिक स्तर पर हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो परिवर्तन के का जो आकलन है वो आपको यहाँ पर करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो यहाँ करना है वो आपको हिंदी भाषा का ज्ञानात्मक, बोधात्मक और आपका ये जो कौशलात्मक, ये वाला आपको करना है। देखिए, अब ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, तो इस यूनिट में तीन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तीन अगर आपने किए तो हो सकता है कि आपके यहाँ पर दिक्कत आपको उठानी पड़े। पाठ योजना आप यहाँ से करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको जैसा कि दिख रहा है कि गद्य के साहित्य दिए हुए हैं यहाँ, तो गद्य के साहित्य को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बट थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि आपका चांस यहाँ बन सकता है इसका। लेकिन ज़्यादातर आपके जो चांस हैं वो आपका ज्ञानात्मक है, आपका पाठ योजना हो गई, आपका माध्यमिक स्तर हो गया, ठीक है, तो ये आपको करने हैं। थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं हम। थर्ड यूनिट में जो आने वाला है आपका, एक तो गद्य है और एक पद है, ठीक है, आपका गद्य और पद, ये आपका 1000% यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा गद्य पद में से। दूसरा जो यहाँ रहेगा वो रहेगा व्याकरण के ऊपर, मीन्स कि आपकी जो व्याकरण है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, कि व्याकरण का जो शिक्षण है उसकी आवश्यकता, उपयोगिता आपको यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो आवश्यकता और उपयोगिता कौन से वाले टॉपिक में आपको यहाँ दिख रही है, तो माध्यमिक स्तर पर व्याकरण की, व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता और उपयोगिता आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में करना है। दूसरी चीज, पाठ्यक्रम वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हल्का सा पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट की बात कर लेते हैं हम। फोर्थ यूनिट में आप जो पढ़ेंगे वो आप यहाँ पर जो है आके उपकरण जो है, मीन्स आप कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे आपका दृष्टि उपकरण, आपका श्रवण उपकरण, आपका मुदित श्रवण उपकरण, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन 1000% मिलने वाला है, यानी आपको यहाँ उपकरण अपने करने हैं। और एक क्वेश्चन जो आपको करना है वो आपको करना है आपका प्रयोगशाला का, ठीक है, तो ये आपको टॉपिक करने हैं, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला। फिफ्थ यूनिट की बात कर लेते हैं। आई होप कि ये एग्ज़ाम भी आपका बाकी एग्ज़ामों की तरह बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि पिछले जितने भी पेपर मैंने बताए हैं उनके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक मैच किए हैं। फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं, तो फिफ्थ यूनिट में जो पहला टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा लेखन पठन वाला, मीन्स कि लेखन पठन श्रवण लेख, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेखन पठन और आपका यहाँ पर जो काव्य पाठ है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर।
ठीक है, तो ये आपको करना है। इसका आपको क्या क्या करना है, इसकी प्रविधि करनी है, मूल्यांकन आपको यहाँ पर करना है इसका, ठीक। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक इसके अंदर रहेगा वो रहेगा अधिगम समस्याओं के निदान और उसकी जो समस्याएं हैं, मीन समाधान, निदान और समस्या का समाधान, ये आपको करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से इनको कर लीजिएगा। और पाठ्यक्रम सहायक सामग्री, पाठ्य विधियाँ, ये आपको यहाँ पर करना है। तो तीन टॉपिक इसमें हो गए, एक हो गया आपका ये वाला, एक हो गया ये, और एक हो गया आपका ये लेखन वाला। और प्लीज मूल्यांकन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मूल्यांकन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीएड के अंदर। मूल्यांकन के अलावा तो कुछ पूरा बीएड के अंदर कुछ भी नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और नेक्स्ट जो भी आपका पेपर है प्लीज कमेंट में जरूर बोलिएगा, मैं डेफिनेटली उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक डालने वाली हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।